महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके मद्देनजर सीएम योगी ने शनिवार को कुंभ मेला क्षेत्र में 250 बेड की क्षमता वाले 100 सार्वजनिक आश्रय स्थलों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र की भी शुरुआत की गई है। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने यह कहा है कि महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के दौरान तीर्थ यात्रियों और आगंतुकों की भारी संख्या को देखते हुए सार्वजनिक आश्रय स्थलों की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। परंपरागत रूप से तीर्थ यात्री और साधु संत खुले स्थानों या फिर परिसंचरण क्षेत्रों में समय बिताते हैं, जिससे कि सर्द मौसम में उनके लिए कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 25,000 बेड की कुल क्षमता वाले सार्वजनिक आश्रय स्थलों की व्यवस्था भी की है। इन आश्रय स्थलों का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को न केवल आरामदायक और सुरक्षित ठहराव प्रदान करना है, बल्कि उनकी यात्रा को सुलभ और सुविधाजनक भी बनाना है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत प्रयागराज मेला क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत खोया पाया केंद्र का भी उद्घाटन किया। बता दें कि ये केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होगा, जिससे कि श्रद्धालुओं की गुमशुदगी संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सकेगा। इस पहल से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और संगठित अनुभव भी यहाँ पर मिलेगा।